नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पीएम मोदी के भारत संबंधी बयान पर मचा बवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा के दौरान भारत में जन्म संबंधी टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। विपक्षी दलों के साथ ही सोशल मीडिया पर भी उनकी इस टिप्पणी को लेकर हंगामा मचा हुआ है। मोदी ने अपनी हालिया विदेश यात्रा के दौरान कहा था कि पहले लोग ये सोचते थे कि कौन से पाप किए थे जो भारत में पैदा हुए, लेकिन लोगों की ये अवधारणा अब बदल गई है। कांग्रेस ने कहा कि मोदी की ऐसी टिप्पणी बेहद पीड़ादायक है। कांग्रेस ने इसे जहां शर्मनाक बताया, वहीं जनता दल यूनाइटेड ने कहा कि इससे प्रधानमंत्री का कद छोटा हुआ है और उनके पद की गरिमा भी घट गई है। मोदी सरकार देगी 1 करोड़ को रोजगार। पटना, केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि केंद्र सरकार की बेरोजगारी दूर करने के लिए अगले 2 सालों के दौरान 1 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए जाने की योजना है। उन्होंने बताया कि देश में वित्त वर्ष 2013-14 के अनुसार कार्यबल की संख्या करीब 47 करोड़ है, जिनमें से गैर संगठित क्षेत्र में 39 करोड़ और संगठित क्षेत्र में 8 करोड़ लोग कार्यरत हैं। दत्तात्रेय ने कहा कि सरकार के देश भर में रोजगार कार्यालयों में 100 नेशनल करियर काउंसलिंग सेंटर खोलने की योजना है। आर्थिक विकास में चीन को पीछे छोड़ देगा भारत। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का आर्थिक विकास चीन को पीछे छोड़ देगा और 2016 में इस देश का जीडीपी विकास दर 7.7% रहने की संभावना है। ये पूर्वानुमान मंगलवार को जारी संयुक्त राष्ट्र विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाओं के अर्धवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट को देखते हुए लगाया गया है। इसमें साल 2015 में भारत की अर्थव्यवस्था के 7.6% की दर से विकास करने की संभावना जताई गई है। ये दर 2016 में 7.7% तक हो सकती है और यदि ऐसा हुआ तो भारत इस मामले में चीन को पीछे छोड़ देगा। चीन के विकास दर 2015 में 7% और इसके अगले वर्ष 6.8% रहने का अनुमान है।